दिवाली आते ही हमारा उत्साह और तैयारियां जश्न मनाने और मौज मस्ती करने के लिए पूरे जोरों पर होती है। साथ ही इस दिन हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और उन्हें मिठाई के डिब्बे देते हैं। यह अत्यंत मज़ेदार होता है। हालांकि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम क्या खाते हैं, खासकर मिठाई के बारे में सावधान रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मिठाई ना खाने के लिए कह रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊँगी कि उन्हें स्वस्थ कैसे बनाया जाए। दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे श्रीखंड, खीर में सूखे मेवे डालकर सेहतमंद बनाया जा सकता है। आप पारंपरिक मिठाइयों को अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पपीते का हलवा, ओट्स खजूर, तिल के लड्डू आदि स्वास्थ्य मिठाइयाँ बनाई जा सकती है। चीनी जो स्वस्थ नहीं है उसके साथ मिठाई बनाने के बजाय अपने भोजन को मीठा करने के लिए गुड़, शहद या ताजे फल का प्रयोग करें। इसे स्वस्थ बनाने के लिए सूखे मेवे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मीठा खाते समय अपना सेवन पर नियंत्रण रखने का ध्यान रखें। आप अदरक, नींबू पानी, मसाला दूध आदि जैसे पेय ले सकते हैं। क्योंकि वे स्वस्थ विकल्प है, सभी अलग अलग सब्जियां खाएं क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। तो इन सुझावों का पालन करें और हमें आशा है कि आपकी दिवाली खुश हो और सुरक्षित हो। दिखता है खिड़की से खुशियों का गुब्बारा, रोशन कर ले दिल को, जी ले दोबारा। आज जिंदगी को त्योहार जैसे मनाना है। दिल में है उत्साह, धड़कन में उत्साह, हर तरफ है उत्साह। आज हर कल से ज्यादा मुस्कुराना है, खुल के खिल के खिलखिलाना है। आज दिवाली का बहाना है उत्साह बाय तनिष्क।